नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सन भारती, आज हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड के बारे में। आयुष्मान भारत योजना को लेकर वसुधा केंद्र और पंचायत कार्यालय के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे, घर बैठे ही आप ऑनलाइन इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अब सरकार ने इसको लेकर एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। बता दें कि इसी पोर्टल से आप कार्ड भी अपना निकलवा सकते हैं। बता दें कि अब वसुधा केंद्र या फिर पंचायत कार्यालय से कार्ड बनवाने में करीब 1 से 1.5 महीने का समय लगता था, लेकिन अब आप ऑनलाइन पोर्टल पर 7 से 10 दिन के अंदर ही आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत के अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी को कार्ड बनवाने के लिए setu.pmjay.gov.in पर जाना होगा। अगर आपने इस पोर्टल पर पहले से आवेदन किया हुआ है तो कार्ड बन गया है तो आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप नया कार्ड भी बनवा सकते हैं। सरकार ने लोगों को खासकर वृद्धजनों की सहूलियत को लेकर जो है कार्ड ऑनलाइन कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पोर्टल के जरिए लोग उन लोगों के नाम भी देख सकते हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बन गया है। आयुष्मान कार्ड उन लोगों के लिए बनाए जाएंगे जिनके पास प्रधानमंत्री के पद या फिर राशन कार्ड में नाम होगा। बता दें कि आयुष्मान भारत कार्ड के लिए घर घर जाकर भी बनाया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली की एक एजेंसी ने इसका काम दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनवाना है। कई लोग जानकारी के अभाव में वसुधा केंद्र या फिर पंचायत कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर कार्ड बनवाने का अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान पिछले साल नवंबर से शुरू हो गया है। बाहर से आए लोग भी इसके तहत कार्ड बनवा सकते हैं। कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इस बार से कार्ड पर कोरोना और AES का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। अब जो बात कही जा रही है उसमें कहा गया है कि आयुष्मान भारत के तहत निजी लैब को जोड़ने की भी योजना शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि अब निजी अस्पताल और प्राइवेट लैब को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाना है। इसके लिए अभी से रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब आयुष्मान भारत के तहत बिहार के सभी जिलों में 37 अस्पतालों को इलाज करने का लाइसेंस मिला है। बिहार में आयुष्मान भारत के तहत अररिया पहले स्थान पर है, जबकि मुजफ्फरपुर 22वें स्थान पर है। बिहार में 5,55,62,406 लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 70,23,553 लोगों का कार्ड बन चुका है। तो एक तरह से कह लें कि सरकार जो है गरीबों को मदद करने के लिए इस कार्ड को बनवाने की बात करें, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनने के बाद गरीब लोगों के बीमारी में जो है एक तरह से कह लें कि बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, जिससे कि सरकार जो है कई अलग अलग बीमारियों में उन्हें जो है मुफ्त में इलाज की बात करती रही है। इसके लिए लाभार्थी को जो है setu.pmjay.gov.in पर जाकर अपना कार्ड जो है बनवाना होगा और उसके बाद आप जो है इस पूरी सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।